दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई गॉट 7 बैंड्स इन आइल्स इन 7 डेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश राजी बाजी मज़े में होंगे। मेरा नाम है अरबाब खान और आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि किस तरह से मैंने 7 दिन की तैयारी के अंदर 7 बैंड्स स्कोर किए आइल्स के टेस्ट के अंदर। तो बिफोर शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि टेस्ट होता कैसे, कि आखिर इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या पोर्शन ऑफ टेस्ट हैं जो आपने तैयार करने हैं ताकि उसके मुताबिक आप मेहनत करके अपना स्कोर कर सकें। तो ये तो एक सिंपल से रूल बना लें अपनी ज़िंदगी का कि जब भी ज़िंदगी में कोई टेस्ट देना, सबसे पहले आप चेक करें कि उसका पेपर पैटर्न क्या है और किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो हमने अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आपको लगता हो कि आपकी कितनी भी तैयारी, अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता तो आप उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद दिस टेस्ट, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आपको लगता होगा शायद होगा यार मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है और मैं बहुत ईजिली बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, लेकिन अगर आप बगैर तैयारी के, बगैर पेपर पैटर्न देखे, बगैर प्रैक्टिस किए टेस्ट में बैठते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप बहुत कम स्कोर करेंगे। तो उसके लिए सिंपल से मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरह से मैंने 7 दिन की तैयारी के अंदर अंदर सारा अपना पैटर्न कवर किया और मॉक एग्जाम्स दे देकर मैंने प्रैक्टिस इंक्रीज की। अच्छा, तो मैं आपको अपना बताता हूँ थोड़ा सा। मुझे था कि यार ये पेपर की तैयारी कम करनी पड़े, नंबर अच्छे आ जाए, इस तरह का सीन था। तो मेरे से पहले जो मेरे दोस्तों ने एग्जाम्स दिए थे, मैंने उनको रब्ता किया, मेरे 2-3 दोस्तों ने आइल्स दिया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे थोड़ा गाइड करो कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन की और किस तरह से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, क्या मुझे लिटरली बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सवाल बिल्कुल पेपर पैटर्न देखे बगैर मैंने अपने दोस्तों से पूछा था। मैंने बिल्कुल एक आइडिया लेना चाहता कि टेस्ट है किस नौयत का। तो इट डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। मैंने अपने फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से हमने तैयारी किया और इस तरह से हमारे इतने इतने स्कोर आए हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट 8, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट 7, 6.5 वाले भी है। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 6.5 ओवरऑल और 6 इन ऑल ऑफ देम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 7। और मेरा मिनिमम जो था वो 6 था राइटिंग के अंदर और मिनिमम 6 ही रिक्वायर्ड था। तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो मेरा टेस्ट जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिनों में मैंने क्लियर कर लिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या मैंने अच्छा किया, क्या क्या मैंने गलत किया, जिससे शायद आपको हेल्प हो सके और आपको अंदाजा हो सके कि यार किस किस जगह पर किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मैंने दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स भेजे वेबसाइट्स के जहाँ से उन्होंने मॉक टेस्ट दे देकर प्रैक्टिस की थी। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब से वीडियोज़ देखी, पैटर्न समझा पेपर का, अच्छा ये पैटर्न है, उसका अंदाजा लगाया, कुछ टिप्स वाली वीडियोज़ देखी और ओवरऑल एक अंदाज़ा लगाकर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। अब मैंने जो अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसिस से अंदाज़ा लगाया, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना वो रीडिंग और राइटिंग वाला है, लिसनिंग और स्पीकिंग वाला हो जाता है। स्पीकिंग पे मुझे वैसे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था क्योंकि आई वाज अ बिट फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो मुझे लग रहा था कि यार स्पीकिंग तो मैं कर लूँगा। और जो लिसनिंग वाला था उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं समझ लूँगा, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं एग्जाम का जो पैटर्न है उसके मुताबिक मैं टाइमली सब कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, कोई मुझसे मिस ना हो जाए, क्योंकि वो ऑडियो जो होता है लिसनिंग में वो एक दफ़ा ही प्ले होता है, आपने अगर मिस कर दिया तो कर दिया। तो उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आंसर्स को किस तरह से कैच करना, उसको किस तरह से इनपुट करना है। अगर आप कंप्यूटराइज्ड टेस्ट दे रहे हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, पहली दफ़ा जब मैंने टेस्ट दिया था लिसनिंग वाला मॉक टेस्ट दिया था, उसके अंदर लिटरली मैंने 35 शायद 40 में से 35 ठीक किया हूँ, लेकिन 35 में से शायद 15 के मेरे स्पेलिंग ही गलत थे, उसमें डाटा किस तरह इनपुट करना है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बिल्कुल बच्चों वाली थी। तो मैंने अपनी इन मिस्टेक्स को देखा और उसको इम्प्रूव करते 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 पहली दफ़ा मेरा 5.5 आया था, तो फिर वो करते करते 10-12 टेस्ट देने के बाद आई वॉज एबल टू स्कोर 7.5 इन द मॉक टेस्ट। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार अगर मेरे यहाँ पे 7.5 आ रहे हैं तो एग्जाम में आई कैन एक्सपेक्ट 0.5 ज़्यादा, लेकिन अगर मेरे यहाँ 7 आ रहे हैं तो शायद मेरे वहाँ पे 7.5 आ जाए। अब बात करते हैं जी रीडिंग वाले मॉड्यूल की। मैंने अपने फ्रेंड से जब बात की थी तो मेरे दोस्तों ने कहा यार रीडिंग वाला बहुत मुश्किल है, इसमें टाइम ही कंप्लीट नहीं होता, आपको बहुत स्पीड से पढ़ना पड़ता है और पैनिक हो जाओगे, होगा ही नहीं। मतलब जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक उनसे उनको मुश्किल लगा था। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर बिल्ड हो गया था कि शायद रीडिंग वाला तो बहुत मुश्किल है, मुझे रीडिंग में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने उसी तरह मॉक टेस्ट खोले, 1, 2, 3, 4 करके देना शुरू कर दिए। अब रीडिंग का ये मसला है कि उसके अंदर आपका दिमाग यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होता है, तो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ 1 घंटा बैठकर टेस्ट देना है, उसके बाद आप फिर एक दूसरा टेस्ट जब देने लगेंगे तो आपकी बस हो चुकी होगी। तो इसलिए यू माइट फील कि यार ये वाला बहुत ड्रेनिंग है और ये तो मुश्किल है इस तरह से, लेकिन एग्जाम में जो है वो रिलेटिवली उससे थोड़ा सा ईजी आ जाता है, जिस वेबसाइट से मैंने प्रिपेयर किया था वहाँ से। एक टिप मैं आपको दूंगा, अगर आपके मार्क्स कम आ गए, लेट्स सपोज आपके बिल्कुल 5 आ गए और आपको चाहिए 6, तो आप उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा उसके अंदर जाएं और लोगों का ओपिनियन देखें, उनको भी अगर मुश्किल लग रहा है तो, अगर सबको मुश्किल लग रहा है उसमें, फिर कुछ लोग आके बता रहे होते हैं कि यार यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है, असली टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, तो उससे थोड़ा सा आसरा मुझे मिला कि यार शायद मैं अच्छे वाले असली वाले में स्कोर कर जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने बताया कि मेरा रीडिंग का जो था ना वो साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि ये वाला तो बहुत मुश्किल है, उसकी मैंने अच्छी तैयारी कर ली, मेहनत कर ली। और जो लिसनिंग वाला था उसके अंदर भी आई प्रिपेयर्ड वेल, उसके अंदर भी जो है मैंने 10-12-15 मॉक टेस्ट दिए और आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि अब तो मेरा क्लियर हो जाएगा। अब जब बारी आई ना राइटिंग वाले पे, राइटिंग में ये हुआ कि जिस
वेबसाइट से मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके ऊपर राइटिंग का अगर आपने चेक करवाना ना, लाइक जिस तरह लिसनिंग और रीडिंग है ना, उसके अंदर जब आप उसमें MCQs, ट्रू फॉल्स इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, आप फिल करते हैं MCQs वाले ऑप्शंस, आप सबमिट करते हैं, आपको फौरन उसका रिजल्ट मिल जाता है कि आपके 40 में से इतना स्कोर है तो आपका ये बैंड बैनर है। लेकिन जो राइटिंग वाला है ना वो उस वेबसाइट के ऊपर आ नहीं रहा था, तो मैंने रिसर्च भी कम की, मैं खुद भी ढीला था, मैंने कोई इतनी वो रिसर्च दोबारा गूगल खोल के देखा नहीं कि शायद कोई और वेबसाइट्स फ्री ऑफर कर रही हूँ, तो मैंने उसको उसकी प्रैक्टिस करने छोड़ दी। मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पर जाता था, मैं वीडियोस देखने लग गया कि यार अच्छा इसके ये टिप्स हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपने नहीं करनी, आप लोगों ने वेबसाइट्स देखनी है। बाद में जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री में आपको वो राइटिंग का भी चेक करके बता देते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन वो आपको बता देते हैं कि आप यहां पे स्टैंड करते हैं। तो मेरी ये मिस्टेक थी, मैंने राइटिंग के ऊपर वीडियोज़ काफ़ी देखी थी, उसके ऊपर मुझे था कि अच्छा मैं कर लूँगा स्कोर, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बन गया था, लेकिन चूँकि मेरी प्रैक्टिस कम थी तो आई गॉट 6 इन राइटिंग, मेरे सबसे कम राइटिंग में थे, और उसकी साफ वजह यही कि मैंने उसमें प्रैक्टिस बिल्कुल कम की थी। स्पीकिंग का मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि अगर आप लोग फ्लुएंट हैं, आपको लगता है कि यार आप अपनी बात दूसरे को कन्वे कर पा रहे हैं, तो यू विल गेट अ गुड स्कोर इन स्पीकिंग। और लिसनिंग का मैं आपको छोटा सा टिप देता हूँ कि अगर आपको मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं विदाउट सबटाइटल्स, आपको समझ आ रही है, आपको रोक रोक के बैक करके दोबारा सुनना नहीं पड़ा, अगर आपको समझ आ रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड बैंड इन लिसनिंग एज वेल, डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। मैंने आपको तो अपनी एग्जाम्पल से बताया कि मैंने जहाँ पर प्रैक्टिस की वहाँ पर मेरे ग्रेड आ गए, जहाँ प्रैक्टिस नहीं की वहाँ ग्रेड नहीं आए। तो आपके पास चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, लोग 2-2 महीने भी तैयारी करते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि यार प्रैक्टिस करूँगा तो आएगा, सिर्फ वीडियोज़ देखने से या सिर्फ देखने से मॉक टेस्ट को ऊपर गुजारने से आपके नहीं आएंगे। जब तक आप प्रॉपर उसको सॉल्व करके सबमिट करके उसका अपना बैंड नहीं देखें, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि यार आप कितने पानी में हो, कितनी अच्छे से आप उसको मजीद स्कोर कर सकते हो। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ अटेम्प्टिंग IELTS। आई होप कि आपको इससे कोई फायदा हुआ हो कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। वेबसाइट्स में नीचे मैंशन कर दूंगा, आप जाएँ वहाँ से प्रैक्टिस करें, एंड आई एम श्योर कि अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे। मैंने खुद जहाँ से प्रैक्टिस की थी उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, यू कैन गो विजिट द वेबसाइट एंड चेक इट। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपके कोई दोस्त दे चुके हैं टेस्ट या कोई आपका जानने वाला टेस्ट दे चुका है तो उसके साथ रब्ता करें, उससे पूछें कि जो भी आपकी एम्बिग्यूटीज़ हैं कि यार ये एग्ज़ाम में इस तरह से आता है, वैसे आता है, एग्ज़ाम में एग्जैक्टली ऐसे आता है या नहीं, तो वो कर सकते हैं। एक टिप मैं दूंगा कि अगर आप कंप्यूटराइज टेस्ट देते हैं तो अगर आप प्रैक्टिस भी कंप्यूटर पर करें, लैपटॉप पर करें, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपको स्क्रीन से कोई मसला नहीं है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कंप्यूटर टेस्ट दें। और अगर आप कंप्यूटराइज देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो वो यूज़र इंटरफेस होता है ना वो थोड़ा फेमिलियर लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीज़ आ गई है, आपको पेज फिजिकली मोड़ने नहीं पड़ रहे, तो आपको वो रिलेटिवली ईजी लगेगा। तो अगर आपका कंप्यूटर के ऊपर हाथ अच्छा है, आप कीबोर्ड अच्छा यूज़ कर लेते हैं, आपको स्क्रीन से कोई मसला नहीं है, तो आई रिकमेंड कि आप कंप्यूटराइज टेस्ट ही दें, इट्स ईजी और इसमें टेंशन भी कम होती है। अच्छा, इसके अलावा आई एम प्लानिंग कि मैं लिसनिंग और रीडिंग वाले के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना दूं कि किस तरह से मैंने उसके अंदर स्कोर किया, क्या क्या टिप्स, जो थोड़े बहुत टिप्स होंगे मैंने जो सीखे थे, और उम्मीद है कि आपको उससे भी फायदा होगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।